सागर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा के समर्थन में पहले बड़े कांग्रेस नेता का आगमन हुआ। जिले में दोनों लोकसभा सीटों के अंतर्गत पहली बार किसी बड़े नेता द्वारा आम सभा संबोधित की गई। कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा के समर्थन में कुणाल चौधरी शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा संबोधित की। वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव में की जाने वाली मेहनत को लेकर बात हुई। मीडिया से बात करते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा और उनके समर्थक गठबंधन के दल संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार भाजपा को ही बदलने की। वहीं उन्होंने कहा लोकतंत्र विश्वास का नाम है, जिस पर अधिकांश दलों को भरोसा नहीं है तो उसे बदल देना चाहिए। वो संविधान जिसके अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की सोच दिखते थे, इस संविधान को बदल के इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के जो मौलिक अधिकार है उसे ख़त्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, ये बात हम नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद जो पहले चुने हुए थे वो लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। अभी एक बड़े नेता का इनका बयान आया कि देश में संविधान आरक्षण को ख़त्म करेंगे। देश के अंदर इनके पहले अनंत हेगड़े का बयान आया कि संविधान को बदलने का काम करेंगे। स्पष्ट है बीजेपी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। चिंता नहीं करे, इस देश की जनता इस बार बीजेपी को बदल देगी। इन्होंने संविधान पे बात करी है, संविधान के रक्षक इस देश के संविधान को बचा के रहेंगे। भारत में ईवीएम को लेकर आवाज उठ रही है, ईवीएम इनकी सेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से जीतती है, इस पे क्या कहना है? देखिए देश में लोकतंत्र क्या है, भरोसे का नाम। जिस चीज़ पे भरोसा कम हो उसे बदल देना चाहिए, और सारे दलों को भरोसा कम है इसलिए इसको बदल देना चाहिए। नई पद्धति कांग्रेस ने कहा जो ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो हाथ में मिले और एक अलग डब्बे में डले और उसका काउंटिंग बराबर हो। इसमें दिक्कत क्या है? अगर पारदर्शिता ज़्यादा होगी तो इस देश का लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा। सागर लोकसभा में आपको जन समर्थन बहुत तेजी से मिल रहा है, देखते बच्चे आपके साथ इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए देख रहा हूँ मैं लगातार कि गुड्डू भैया में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। 10 साल से सांसदों की शकल यहाँ के लोगों ने नहीं देखी है कि सांसद होता क्या है। कोरोना महामारी में यहाँ के सांसद गायब, सुख दुख में यहाँ के सांसद गायब, तो इसके खिलाफ जनता में रोष है। जनता मान चुकी है, मंच बना चुकी है कि बुंदेलों की धरती से एक बुंदेला सांसद के रूप में बनेगा और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम पूरी ताकत के साथ किसान के फसलों के दाम का, नौजवान के रोजगार का, हर वर्ग के अधिकारों की लड़ने का काम गुड्डू राजा करेंगे। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे लाखों वोटों से कांग्रेस जीतेगी। युवराज सिंह चौहान ने खुले मन से 2700 का वादा किया था, आज जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2700 का वादा क्यों पूरा नहीं किया? शिवराज जी तो इतने कह के गए थे कि 3000 से शुरू करके बेटियों को 10000 तक दूंगा, 2700 रुपये कुंटल दूंगा, यहाँ पे धान 3100 रुपये कुंटल दूंगा, गैस की टंकी 4.5, आज मुंह में दही जम गया है। अब उनसे पूछो तो इधर उधर की बात करते हैं, जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।